बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी लैंड ऑफिशियल एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द न्यू मेंबर्स हु हैव रिसेंटली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कमेंट, क्यूरीज एंड सजेशंस। आई एम उमे मोहम्मद एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट यूनिट नंबर 8 लाइट फ्रॉम अमेजिंग साइंस क्लास 2। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे या इससे कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं प्रेयर से। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। इट इज़ यूनिट नंबर 8 एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ लाइट। लाइट बोलते हैं रोशनी को। Without light there is darkness. रोशनी के बगैर अंधेरा होता है। First topic है sources of light, रोशनी के ज़राए। We can see an object, हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। When light falls on it, जब रोशनी उस पर पड़ती है। Light comes from various sources, रोशनी बहुत से ज़राए से आती है। All the natural light on the earth, ज़मीन के ऊपर जितनी भी जो कुदरती तौर पर पाई जाने वाली रोशनी है comes आती है from the sun, सूरज से। We get light by burning a candle, हम मोमबत्ती जलाकर रोशनी हासिल कर सकते हैं। We also get light from the bulb of an electric light bulb, और हम बिजली से चलने वाले बल्ब से और अ टॉर्च या फिर एक टॉर्च के बल्ब से रोशनी हासिल कर सकते हैं। Candles, electric lights and torches are made by man, मोमबत्ती हो या बिजली से चलने वाला बल्ब हो या फिर टॉर्च लाइट हो, ये सब चीज़ें इंसान ने बनाई हैं। दे आर नॉट नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, ये रोशनी के कुदरती ज़राए नहीं हैं। वी कैन ओनली सी थिंग्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, हम चीज़ों को तभी देख सकते हैं जब रोशनी उन पर पड़ती है। देर इज़ लेस लाइट फर्दर अवे फ्रॉम द सोर्स, जितना हम रोशनी के ज़रिए से दूर चले जाएंगे, रोशनी के मंबा से दूर जाएंगे तो वहाँ पर रोशनी कम होगी। देर इज़ मोर लाइट नियर टू द सोर्स, और जब हम सोर्स के उस ज़रिए के नज़दीक होंगे जहाँ से लाइट आ रही है तो रोशनी ज़्यादा होगी। पिक्चर में भी देख सकते हैं देर इज़ लेस लाइट अवे फ्रॉम द सोर्स, उस लैंप से जितना हम दूर जा रहे हैं अंधेरा होता जा रहा है, रोशनी कम हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस बोलते हैं चमकदार या रोशन चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जिनसे रोशनी पैदा होती है, एंड नॉन ल्यूमिनस जिनसे रोशनी नहीं पैदा होती, जो नहीं चमकते। समथिंग दैट गिव्स आउट लाइट, कोई भी चीज़ जो रोशनी पैदा करती है या रोशनी खारिज करती है बाय इटसेल्फ खुद से, इज कॉल्ड अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। द सन सूरज, अ बर्निंग कोल एक चलता हुआ कोयला, अ फायर एक आग, एंड अ कैंडल और एक मोमबत्ती आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये सभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की मिसालें हैं। नेक्स्ट है समथिंग, कोई चीज़ विच कैन नॉट गिव आउट लाइट, जो रोशनी नहीं पैदा कर सकती बाई इट्सेल्फ खुद से, इज नॉन ल्यूमिनस, उसको हम नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। अ बुक एक किताब, अ टेबल एक मेज़, अ हाउस एक घर, एंड अ डोर और एक दरवाज़ा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ये सभी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की मिसालें हैं। इनकी हमें पिक्चर भी गिवन है नीचे। वी कैन सी, हम देख सकते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस चीज़ों को, बिकॉज क्योंकि लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स शाइन ऑन देम, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो रोशनी पैदा करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जब उनकी रोशनी उनके ऊपर पड़ती है नॉन ल्यूमिनस के ऊपर, तो हम उनको देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रोशनी नहीं पैदा करते, इन द डार्क, तारीकी में यानी अंधेरे में हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते। द मून इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है चाँद, ये भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। वी कैन सी द मून, हम चाँद को देख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन इट, सूरज से जो रोशनी निकलती है वो चाँद पर पड़ती है, जिसकी वजह से हम उसको देख सकते हैं। अगर अंधेरा होगा तो हम चाँद को नहीं देख सकेंगे। यहाँ पे हमें पिक्चर में भी गिन है द मून इज़ अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी, चाँद एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑपेक ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट बोलते हैं शफाफ को, ट्रांसलूसेंट नीम शफाफ, एंड ऑपेक बोलते हैं गैर शफाफ को, जिसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, जिसमें से हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते। सम थिंग्स, कुछ चीज़ें लेट लाइट पास थ्रू देम, रोशनी को अपने अंदर से गुजरने देती हैं। इफ़ वी कैन सी थ्रू समथिंग क्लियरली, अगर हम किसी चीज़ के दूसरी तरफ बिल्कुल वाजा देख सकें, वी से हम कहते हैं दैट इट इज़ ट्रांसपेरेंट, कि ये शफाफ है। ग्लास, एयर एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स,
इसकी एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं पानी, हवा और ग्लास यानी कि शीशा, ये सभी शफाफ चीज़ें हैं, रोशनी को गुजरने देती हैं और हम इनके दूसरी तरफ बहुत क्लियरली देख सकते हैं। इफ़ वी कैन सी थ्रू समथिंग, अगर हम किसी चीज़ के दूसरी तरफ देख सकें बट नॉट क्लियरली, लेकिन बहुत ज़्यादा वाजे ना हो, वी से इट इज़ ट्रांसलूसेंट, तो ये नीम शफाफ है। फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर एंड ट्रेसिंग पेपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जाम्पल्स में बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर या फिर फ्रॉस्टेड ग्लास, ये तीनों इसकी एग्जाम्पल आ जाती हैं, क्योंकि हम इसके दूसरी तरफ देख सकते हैं लेकिन बिल्कुल वाजे नहीं देख सकते, क्लियर नहीं देख सकते। नेक्स्ट हमें गिवन है, इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू समथिंग एट ऑल, अगर हम किसी चीज़ के दूसरी तरफ बिल्कुल भी ना देख सकें, वी से हम कहते हैं इट इज़ ऑपेक, ये गैर शफाफ है। वुड, स्टोन, अ ब्रिक एंड कार्डबोर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपेक मटीरियल। ऑपेक मटीरियल की जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें लकड़ी, पत्थर, ईंट या फिर कार्डबोर्ड, ये सब आ जाती हैं, जो हमें पिक्चर में भी गिवन है, तीनों चीज़ों की पिक्चर, बुक की, ब्रिक की और स्टोन की। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर में ट्राई भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेंगे, उसके दूसरी तरफ देखने की कोशिश करेंगे, फिर आप एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे और लास्ट में आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट को ट्राई करेंगे और उससे दूसरी तरफ देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें गिवन है वो है शेडोज़। शेडोज़ बोलते हैं साए को। अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बीम ऑफ लाइट यानी रोशनी की जो शुआ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जिसे हम हत्ते मुस्तकीम बोलते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, जब हम रोशनी के रास्ते में कोई चीज़ रख देते हैं, इट मेक्स अ डार्क पैच, इससे क्या होता है, एक डार्क पैच, एक साया बन जाता है। दिस डार्क पैच इज़ कॉल्ड अ शेडो, और इस डार्क पैच, इस अंधेरी सी जो एक जगह होती है उस लाइट के उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने की वजह से जो बनता है ब्लैक सा पैच, उसको हम शेडो यानी साया बोलते हैं। नेक्स्ट हमें इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो उसकी शेप बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसी ही होती है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नियर द लाइट सोर्स, और जब वो ऑब्जेक्ट या चीज़ जिसका साया बन रहा है वो लाइट के नज़दीक होगी, लाइट के सोर्स के नज़दीक होगी, इट्स शेडो इज़ बिग, उसका साया बड़ा होगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम द लाइट सोर्स, और जब ऑब्जेक्ट को हम लाइट सोर्स से दूर कर देंगे, इट्स शेडो इज़ स्मॉल, उसका साया छोटा हो जाएगा। शेडो इज़ बिग इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नियर द लाइट सोर्स। हम यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो बच्चा लाइट सोर्स के नज़दीक खड़ा है उसका शेडो ज़्यादा बड़ा है, जबकि जो दूर खड़ा है उसका शेडो छोटा है। नेक्स्ट हमें गिवन है, शेडोज़ आर ऑल्सो मेड बाय सनलाइट, यानी सनलाइट, धूप में भी खड़े होकर शेडोज़ क्रिएट किए जा सकते हैं। वेन द सन इज़ डायरेक्टली अबव आर हेड्स, जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, आर शेडो इज़ मेड अंडर आर फीट, हमारा शेडो हमारे बिल्कुल पाँव के नीचे बनता है। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, एंड इवनिंग, और शाम के वक्त, आर शेडोज़ आर लार्जर, हमारे साए बड़े होते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए एक पिक्चर भी गिवन है, जिसमें मॉर्निंग, नून और इवनिंग का टाइम दिखाया गया है और उसमें बनने वाले शेडोज़ की शेप भी दिखाई गई है। इस चैप्टर में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं और आप किसी एल्डर के सुपरविजन के बगैर भी कर सकते हैं, और जब आप लोग इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.